1947, Admiral Richard E. Byrd, 4,000 British, Australian और American troops को लेकर अंटार्कटिका पे एक invention पर निकले थे, जिसका नाम दिया गया था Operation Highjump, जिसको एक normal follow-up mission ही कहा गया था। Follow-up mission का मतलब ये होता है कि कोई भी war के बाद after war situation कैसा है वो ऑब्जर्व किया जाता है, उसी को फॉलोअप मिशन कहा जाता है। इस ऑपरेशन में 3 नेवल ग्रुप शामिल था, जो कि वर्जीनिया के यूएस नेवल स्टेशन नॉर्थफॉक वीए से 2 दिसंबर 1946 को निकला था। इस नेवल ग्रुप में नॉर्थविंड नाम का आइस ब्रेकर, कैटेबल शिप, डिस्ट्रॉयर, यूएस सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर सपोर्ट वेसल और क्यूरेटेक नाम का एक फ्लोट प्लेन तक भी मौजूद था। और इस मिशन पर ब्रिटिश नॉर्वेजियन फोर्स, रशियन फोर्स और कुछ ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन फोर्स भी मौजूद था। लेकिन सवाल ये था कि एक नॉर्मल सा फॉलोअप मिशन पर इतना सिक्योरिटी क्यों था और इतने सारे कंट्रीज ही क्यों मौजूद थे और आखिर क्या था इस अंटार्कटिका पर। अगर आपने हमारा पहला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक कीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोगों को इस वीडियो में इंटरेस्ट आने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, आज का एपिसोड है बहुत खास। मैं हूं देवाशीष, तो चलिए जान लेते हैं। कुछ यूएफओ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये मानते थे कि ऑपरेशन हाईजंप एक कोवर्ट ऑपरेशन था, जो कि अंटार्कटिका पर नाजी बेसिस और फैसिलिटीज, जर्मन व्रिल फ्लाइंग डिस्क और वो स्पेसशिप्स जो कि मर्क्यूरी पावर्ड था, यानी जिसको मर्क्यूरी से पावर मिलता था, उसको कैप्चर करने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। लेकिन हमेशा यूएस मिलिट्री की ओर से इस बात को डिनाई किया गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के कुछ पहले से ही 2 जर्मन यूबोट्स U530 और U977 को बाल्टिक सी के एक पोर्ट से लॉन्च किया गया था, जो कि पूरा वर्ल्ड वॉर टू के क्लोजिंग स्टेज तक एक कंटिन्यूअस सप्लाई को मेंटेन कर रहा था अंटार्कटिका तक। लेकिन बात यह था कि उन यूबोट्स में, या सिंपल वर्ड में कहे तो उन सबमरीन्स में आखिर था क्या। माना जाता है कि उस जर्मन यूबोट्स में एंटी ग्रेविटी डिस्क के रिसर्च और डेवलपमेंट टीम के मेंबर्स और इनसे जुड़े नोट्स, ड्राइंग्स और जर्मन फ्लाइंग डिस्क का डिजाइंस और डिस्क के लास्ट कुछ वाइटल कंपोनेंट्स को ले जा रहे थे। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ज्यादातर नाजी सीक्रेट वेपन से जुड़े टेक्नोलॉजीज, हार्डवेयर्स जो कि अलाइड फोर्स ढूंढ रहे थे, उन सब को ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था युद्ध खत्म होने के दौरान। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये मानते थे कि उन सारे डॉक्यूमेंट्स में फ्लाइंग सॉसर और उसके एरियल डिजाइंस के अलावा भी नॉर्थ डाउशन के अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज के बारे में भी जानकारी मौजूद था। और नॉर्थ डाउशन के इन फैक्ट्रीज को इसलिए सीक्रेट रखा गया था क्योंकि इन फैक्ट्रीज में वर्ल्ड का पहला बैलिस्टिक मिसाइल B-2 को बनाया जा रहा था। ऐसा अफवाह फैलने लगा था कि भले ही जर्मनी वर्ल्ड वॉर हार गया था, लेकिन मिड 1945 तक कुछ मिलिट्री पर्सनल और साइंटिस्ट के एक ग्रुप को जर्मनी से लेकर अंटार्कटिका के सीक्रेट बेसिस में छुपा दिया गया था, क्योंकि तब तक पूरे यूरोप में एलाइड फोर्स ने लगभग कब्जा कर लिया था और साइंटिस्टों को अंटार्कटिका के सीक्रेट बेसिस में ले जाने का ये भी कारण था कि वहां पर साइंटिस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सके और ये साइंटिस्ट एलाइड फोर्स के हाथ ना लग सके। बात ये था कि उस समय
यानी लेट 1947 में काफ़ी एविडेंस था ये दिखाने के लिए कि जर्मन नेवी या क्रिग्समरीन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था साउथ अटलांटिक रीजन में। और उससे पहले यानी वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने के बाद जर्मन नेवी को जहाँ पे सस्पेक्ट नहीं किया गया था वो था अंटार्कटिका। बहुत सारा र्यूमर्स चल रहा था उस समय। यूएस नेवी के ऑपरेशन हाईजंप से लौटने के बाद उस ऑपरेशन से जुड़े हर एक डिटेल्स को टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड मिशन डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन अंटार्कटिका इन्वेंशन से लौटने के बाद एडमिरल रिचर्ड ई बायर्ड को कुछ इंटरव्यू में बुलाया गया था। वहाँ पे उन्होंने वैसा तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन ऐसा माना जाता है अंटार्कटिका इन्वेंशन के दौरान कि बायर्ड को एक जगह पर ले जाया गया था जिसको नाजीस अगार्था या हॉलो अर्थ कहते थे। बायर्ड के पर्सनल डायरी के मुताबिक यूएस गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था उनको बिल्कुल चुपचाप रहने के लिए। लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक बायर्ड उस हिडन अंडरग्राउंड सिटी में गए थे और वहां के सिटी लीडर जिसको रिचर्ड ई बायर्ड ने द मास्टर कह के भी एड्रेस किया था। ये सुन के आप लोगों को एक फिक्शन ही लग रहा होगा, लेकिन यूएस नेवल सेक्रेटरी जेम्स फॉरेस्टल ने इस ऑपरेशन से जुड़े कुछ बहुत ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को दुनिया के सामने रख दिया था। और इसके बाद उनको साइकायट्रिस्ट पेशेंट बताकर बेथेस्टा नेवल हॉस्पिटल में साइकायट्रिक वार्ड में एडमिट कर दिया था। और इसके कुछ ही दिनों बाद एक अनजान कारण से उन्होंने सुइसाइड भी कर लिया था। नाजीस सच में मानते थे कि अगार्था यानी हॉलो अर्थ सच में मौजूद है और वहां पर एलियन सच में रहते हैं। इसलिए जर्मन्स ने कुछ डेडिकेटेड मिशंस को भी डिप्लॉय किया था हॉलो अर्थ के एंट्रेंस को ढूंढने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या एलियंस अर्थ के सेंटर पर सच में मौजूद है? क्या हॉलो अर्थ नाम का कोई चीज सच में मौजूद है? आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में साइंस स्कोप के साथ।